मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी। बस में बैठे एक दर्जन अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो वहीं हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति ने बताया कि बस चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अजय, ये मैं बरेली के पास फरीदपुर से बैठा था पानीपत के लिए, तो बस खाई में पलट गई। बस तो फिलहाल जो मैं बरेली से फरीदपुर से बैठा था, तो उधर से कोई और ड्राइवर लेके आया। ये जो ड्राइवर चेंज हुआ था, केवल 7-8 किलोमीटर में ये एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले उन लोगों ने सुल्पा भी यूज किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट सीट पे था, गेट के बिल्कुल बराबर वाली सीट पे, स्टाफ सीट पे ही था बैठा हुआ। जी बिल्कुल, ये 5-6 स्टाफ थे बस में, करीब 5-6 स्टाफ थे। उन लोगों ने वही सिगरेट में कुछ भर के, यानी सुल्पा या चरस जो भी हो, फिलहाल जानकारी नहीं है, वो चीज़ यूज की थी इन लोगों ने। बस में तो करीब थे 130 से 150, घायल तो करीब 60-70 लोग हुए। कुछ लोग रामपुर भेजे गए हैं। मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं फरीदपुर से पानीपत जा रहा था, बरेली से पानीपत। जी, वहीं जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में जो मरीज आए हैं उनको उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है, सबकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जो एक्सीडेंट से मरीज हैं उसमें अभी 14 मरीज हमारे चिकित्सालय में आ चुके हैं। 14 मरीजों को भर्ती कर लिया गया, उनका उपचार चल रहा है। उसमें से एक राम सेवक नाम का मरीज है जिसके पैर में फ्रैक्चर है, बाकी सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं और उनके ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है। छोटी छोटी चोटें हैं जिनको ड्रेसिंग कर दिया गया है, पट्टी कर दी गई है, इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, बाकी जिसको ज़रूरत है वो इंजेक्शन फ्लूड सब बराबर चल रहा है। सारे मरीज सेटल्ड हैं, सभी के एक्सरे हो रहे हैं, उनकी कोविड एंटीजन टेस्ट हो जाएंगे और सभी का ट्रीटमेंट यहीं पर किया जाएगा। नहीं, अभी बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं, बस एक मरीज है जिसके पैर में फ्रैक्चर है, बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं। तो वहीं एसपी सिटी अमित कुमार आनंद द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और जिला अस्पताल पहुंच घायलों का हालचाल जाना। ये थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र में हाईवे पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये डबल डेकर बस थी जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हरियाणा में पानीपत में जा रही थी। इस बस में 90 से 100 लोगों की संख्या अभी तक बताई जा रही है। इसमें जो घायलों की संख्या है वो 19 है। इसमें सभी का उपचार चल रहा है, सभी की स्थिति सामान्य बताई गई है, किसी की भी गंभीर हालत नहीं है। इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य इसके सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें टोटल 19 घायल हैं, जिसमें से 12 घायल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और जो बाकी शेष है वो रामपुर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसमें घटनास्थल पे पुलिस भी और एम्बुलेंस और सभी डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनमें ज़्यादातर जो लोग थे मजदूर थे और या फिर कोई काम करने के लिए पानीपत हरियाणा के लिए जा रहे थे। इसमें जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया उसमें जो दिख रहा है, जो बस जो साइड रेल्स होती है उसको पार करके पलटते हुए गई है, तो इसमें जांच की जा रही है, जो भी और अन्य तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। बस में 2 दर्जन से अधिक सवारी मौजूद थी। हालांकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।